नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आज चर्चा करेंगे इस खास प्रोग्राम में पूरे दिन गहमा गहमी वाले मुद्दे पर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैन कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड, जी हां, वह पत्र जिसके आधार पर तमाम यहां पर कॉरपोरेट घरानों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है, उस चंदे का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी कार्यक्रमों के दौरान करती है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है कानून बनाने का केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेकर के आई थी। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होने के कारण लोकसभा से बिल पास हो जाता है, उसके बाद बिल राज्यसभा में जाकर अटक जाता है क्योंकि वहां पर भाजपा के साथ यहां पर बहुमत नहीं जुटा पाती है पार्टी। और जिस तरीके से उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री यहां पर अरुण जेटली इस पूरे बिल की वकालत करते हुए इसको मनी बिल के रूप में लागू करवा देते हैं, जो कि पूर्णतया वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। वर्ष 2017 में इस बिल को लेकर के गहमा गहमी का माहौल तो देखने को मिलता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी जाती है और उस याचिका में यह कहा जाता है कि इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने मिलने वाले चंदे को सार्वजनिक नहीं करती। 7 सालों से चल रहे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अंतिम निर्णय तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया जाता है कि ये आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1)(a) का साफ तौर पर उल्लंघन है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी साझा ना करना एक तरीके से काले धन की श्रेणी में आता है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो जाती है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े कर देती है। जिस तरीके से सवाल खड़े किए जाते हैं उसके आधार पर आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक करारे झटके के रूप में इस फैसले को देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम यहां पर बताया जा रहा है कि करीब 5,200 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिलता है भाजपा को। यह आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी अपने ट्वीट में कि खदाने बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो, एयरपोर्ट बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो, रेल बेचो, तेल बेचो और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर यहाँ पर केंद्र सरकार को या ये कहें कि भाजपा को ये पैसा दे दो। ये साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। दूसरी तरफ यदि बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में पीएम मोदी भ्रष्टाचार में शामिल है, ये आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हेड यहाँ जिस तरीके से पवन खेड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद भाजपा पर उन्होंने कुठाराघात किया है। सुनिए यहाँ पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पवन खेड़ा। सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं, ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं, मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सब ने अपने अपने स्तर पे जिनके जमीर जिंदा हैं उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूं बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है, जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए,
अपने मित्रों को उपकृत। तो आपने सुना, यहाँ पर पवन खेड़ा साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कोयला खदानों, हवाई अड्डों पर अपने मित्रों को भारतीय जनता पार्टी के सूरमा या शहंशाह कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बुलाते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस फैसले ने, जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की संविधान पीठ ने सुनाया है, इसके बाद बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे को सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया है। निर्देश देते हुए कहा है कि यह साफ तौर पर SBI की तरफ से विवरण दिया जाना चाहिए कि किस पार्टी को किस यहाँ पर कॉरपोरेट घराने से कितना पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है और किस व्यक्ति ने किस वक्त पर किस पार्टी को कितना पैसा जारी किया है। यानी कि साफ तौर पर SBI, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर ठहराते हुए नजर आया है सुप्रीम कोर्ट। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद या ये कहें कि फैसले के बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाया है, जिस तरीके से SBI की भूमिका को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन हेड कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा SBI की भूमिका को लेकर, सुनिए जरा। पहले कोई ऐसी कंपनी जो 1 रुपये का प्रॉफिट दिखाए और 100 करोड़ दे दे, ये संभव नहीं हो सकता था। शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी 10 शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुपचाप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले। किस किस को मालूम है? SBI और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है, जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अदानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं। आपने सुना, यहाँ पर पवन खेड़ा लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर SBI ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए, उसके बाद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हुआ। और ADR की रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं कि साल 2022-23 के वित्त वर्ष के दौरान यहाँ पर करीब 720 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को मिला है, जो कि 95% कुल चंदे का बैठता है। यानी कि विपक्षी दलों को कॉरपोरेट घरानों से सिर्फ 5% चंदा मिलता है और 95% चंदा अकेली भारतीय जनता पार्टी को कॉरपोरेट घरानों की तरफ से दिया जाता है। इसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा यही नहीं रुकते हैं और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि शेल कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफेद किया जा रहा है और ये पैसा सीधा भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है। सुनिए किस तरीके से पवन खेड़ा यहाँ पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी 10 शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुपचाप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले। किस किस को मालूम है? SBI और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है, जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अदानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं भाई। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कह ही दिया सब कुछ, और जो हम पिछले तो सुना आपने, यहाँ पर
कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा सीधा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से शेल कंपनियों से पैसा लेकर भारतीय जनता पार्टी उस पैसे को काले धन को सफेद धन के रूप में परिवर्तित कर रही है और उसको चुनाव के लिए सरकारों की खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल कर रही है और इसका आधार यही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पर और कॉरपोरेट मित्रों के दम पर यहां अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। इससे आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि यही इसी काले धन के माध्यम से, इसी चंदे के माध्यम से बीजेपी ने अपने तमाम 7-स्टार ऑफिस स्थापित कर लिए हैं। किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं पवन खेड़ा, आपको सुनाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये व्यवस्था हटा दी गई। अब अगर कोई कंपनी किताबों में 1 रुपया प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से 100 करोड़ किसी पार्टी को चंदा दे देती है तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। हम तो यही मान लेंगे कि साहब इस कंपनी का 1 रुपया प्रॉफिट है या हो सकता है 1 रुपया लॉस है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि शेल कंपनीज के माध्यम से काला धन सफेद होता है, घूमकर विदेशों से कई देशों का दौरा करते हुए वो पैसा आता है और 7-सितारा कार्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी का यहां से कुछ किलोमीटर दूर बन जाता है। ना केवल यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक 7-स्टार ऑफिस बन जाता है, इस देश के हर जिले में एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं। ना केवल एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं, एक अपंजीकृत संगठन के भी भवन बन रहे होते हैं हर जिले में। ये इसका नतीजा निकला। तो पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अंतर क्या है? पहले 7.5% का एक कैप था कि एक सीमा थी, पहले मालूम रहता था कि किसने किसको कितना दिया। आज वो सीमा हटा दी गई। आज 2019 से खास तौर पे 17 से लगातार ऐसी व्यवस्था आ गई, हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मालूम रहता है। नहीं नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम सॉरी, प्लीज। तो सुना आपने, यहां पर पवन खेड़ा सीधा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिले चंदे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम 7-स्टार ऑफिस बन चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी और उनके मित्र यहां पर पूरा जो देश का पैसा है उसको एक चुनावी एजेंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा ये चंदा एक तरीके से गैर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आता है। इसके बाद यहां पर चुनावी गहमागहमी होना और बाकी है। तमाम राजनीतिक दल यहां पर भाजपा की भूमिका को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ये पूरी जंग छिड़ चुकी है इसमें सीधा नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में पहुंचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।